हे एवरीवन, मैं बुआ के लिए ये मॉल से लेकर आई थी जिसमें स्टडी किट है बच्चों की। देखते हैं उसका एक्सप्रेशन कैसा रहता है। उसे पसंद तो बहुत आई लेकिन अभी उसको पता नहीं है इसके अंदर क्या क्या, मुझे भी नहीं पता है। मैंने सिर्फ ये बैग देखा था और कि इसमें बैग है और सारे एसेसरीज़ हैं, तो इसको ले लेते हैं। इसका प्राइस 500 था और समथिंग, मुझे याद नहीं है कन्फर्म, क्योंकि इसको लाए हुए टाइम हो गया है मुझे, बट वीडियो नहीं अपलोड कर पाई थी क्योंकि कुछ प्रॉब्लम थी, बिज़ी थी, इस वजह से नहीं हो पा रहा था। तो इसमें देख सकते हैं आप क्या क्या चीज़ें निकल रही हैं। ये शार्पनर है और कलर्स हैं, काफ़ी कलर्स हैं, और एक बुक, ड्राइंग बुक भी है। और ये बैग, बैग की क्वालिटी काफ़ी अच्छी लगी मुझे। स्केल है, लिड पेंसिल भी है, और जैक्स देखो कितने आसानी से देख रहा है शांति से बैठ के कि ये होल क्या आ रहा है। उसके लिए क्योंकि कोई चीज़ नहीं आई है इसलिए नाराज़ बैठा था चुपचाप दरवाजे के पास। उसके बाद ड्राइंग बुक आप ओपन करके देखेंगे तो इस तरीके की कुछ बनी हुई है, इसमें आपको ड्राइंग करनी होती है। और ये एक पेंसिल भी थी, कलर्ड पेंसिल थी, और इस तरीके के कलर हैं। काफ़ी 10 पीसेस थी पेंसिल की। एंड उसके बाद ये स्केल है, ये भी अच्छी क्वालिटी की है। एंड उसके बाद ये है शार्पनर, जो कि डिज़ाइन वाइज बहुत ही ज़्यादा प्रिटी लगा मुझे। मुझे यूज़ करना होता तो मैं इसको ले लेती। उसके बाद ये क्रेयॉन कलर्स जो आते हैं वो वाले हैं, उसके पूरा एक ये बॉक्स था। यही ज़्यादातर बॉक्स यूज़ भी होते हैं बच्चों के लिए, बउआ तो जब से ड्राइंग कर रहा है हम लोग यही वाला बॉक्स एक्स्ट्रा लेकर आते थे। उसके बाद ये भी पेंसिल है, ये भी क्रेयॉन टाइप की है और ये भी कलर करने के लिए है। एंड उसके बाद एक ये कुछ जैसे हॉस्पिटल का होता है ना, डॉक्टरी टाइप का, उस तरीके का बना हुआ था। इसमें पता नहीं था क्या है तो बउआ इसको खोल रहे हैं, बट ये ओपन ही नहीं हुई, तो फिर सीजर ली और उससे ओपन करने बैठे। बउआ की खुशी आप लोग देख ही सकते हो, सब सोच रहा है कितने जल्दी सब ओपन हो जाए और मैं देखूं। तो ये तो पहले प्लस का साइन उसको हटा दिया। एंड उसके बाद इसमें इस तरीके के ये कलर्स हैं और ये एक इंजेक्शन बना हुआ है। इसको मैं आपको ओपन करके दिखा देती हूँ। इसमें क्या करना है, क्रेयॉन को इंसर्ट करना है और उसको शार्प कर सकते हैं। अभी ये बाहर नहीं निकल रहा था तो इसको इस तरीके से आप इंसर्ट कर लो और जो इसके साथ एक शार्पनर है उसको ऊपर कैप लगा के फिर शार्प कर सकते हो। अलग से इसको शार्प करने की ज़रूरत नहीं है और देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा था। जो इसमें प्रोडक्ट थे वो सारे यूनिक थे, अच्छी डिज़ाइन के थे। तो जब आपको, जो आपके प्रोडक्ट होते हैं वो अच्छे मिल जाते हैं तो फिर ये लगता है कि जो आपने पैसा इसमें इन्वेस्ट किया है, रुपये जो भी इन्वेस्ट किए हैं, वो सही डिसीज़न था, वेस्ट नहीं गए। एंड उसके बाद जैक्स पास में आ गए धीरे धीरे, जैक्स धीरे धीरे बढ़ते हैं, जानता है पास में आने के लिए मना किया जाएगा। फिर उसके बाद ये एक रेज़र है, इस तरीके से अंदर जब हम पीछे से पुश करेंगे तो ये आगे को निकलेगी। देखो कितनी अच्छी है, ये पेंसिल के टाइप में। और जैक्स, जैसे ही जैक्स को मौका मिला तुरंत जैक्स ऊपर आ गए थे, ये देखो। फिर उसके बाद बउआ पूरा अपना सामान लेकर बैठी और फिर वो कर रहा था ड्राइंग की, जो भी नए चीज़ें आई हैं तो उन्हीं का यूज़ करके मैं ड्राइंग करूँगा। तो बस ऐसे ही हमारा ये सरप्राइज गया। सो मिलते हैं नेक्स्ट मिनी वीडियो में और व्लॉग में। बाय बाय।